जय माता की। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं आटे के स्वादिष्ट लड्डू। तो उसके लिए मैंने ये लिए हैं बादाम, किशमिश, काजू जो कि मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं, ये गोला कद्दूकस कर लिया, और ये सफेद तिल है, एक कटोरी गेहूं का आटा, एक कटोरी चावल का, एक कटोरी गुड़ है जो कि मैंने चाकू से छोटा छोटा, और ये देसी घी। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम तेल भूनेंगे। तो हम धीमी आंच पर तेल भून रहे हैं, तेज आंच पर नहीं भूनने हमें तेल। तो ये हमारे तेल भून चुके हैं। देसी घी, ड्राई फ्रूट्स धीमी आंच पर भूनेंगे। अब ये बादाम मैंने छोटे छोटे काट लिए थे, तो हम इन्हें भून लेते हैं। तो ये हमारे बादाम भून चुके हैं। किशमिश थोड़ा सा भून लेंगे। ये हमने गोले को भी थोड़ा सा भून लिया है। अब हम गेहूं का आटा भूनेंगे धीमी आंच पर। अब ये चावल का आटा डाल देंगे, दोनों आटे एक साथ ही भून लेंगे धीमी आंच पर। जब थोड़ा गर्म हो जाए तब इसमें देसी घी डाल देंगे। ये हमारा आटा भून चुका है, देखिए सुनहरा हो चुका है। इससे ज्यादा नहीं भूनना हमें, नहीं तो ये जल जाएगा। चलिए इसे निकाल लेते हैं हम इसी मिश्रण में। ये हमारा सब इसमें मिश्रण रखा है, इसी में हम इस आटे को निकाल लेते हैं। तो चलिए अब हम इसी कढ़ाई में गुड़ डालते हैं। ये मैंने चाकू से छोटा छोटा कर रखा है गुड़, और हम इसमें 2 चम्मच पानी डाल देते हैं, और 1 चम्मच घी। अब इसे धीरे धीरे मेल्ट होने देते हैं धीमी आंच पर। ये हमारा गुड़ मेल्ट हो चुका है। ये छोटी 4 इलायची हैं, मैंने इन्हें क्रश कर लिया है, इनके बीज निकाल लिया है, इसकी खुशबू अच्छी आती है। तो ये हमारा गुड़ पक चुका है, इससे ज्यादा हमें नहीं पकाना, बस इतना ही रखना है। अब हम गैस बंद कर देते हैं। चलिए तो देखिए ये हमारा एक घुल चुका है। अब हम इसमें ये मिश्रण डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा करके, गैस बंद है हमारी। आराम से मिलाइएगा, गरम है। और जाड़ों में तो गुड़ के और तिल की तासीर गर्म होती है, तो जरूर बनाने चाहिए। भी बहुत अच्छी आ रही है मेरी किचन में। तो सन तैयार हो चुका है, थोड़ा सा देसी घी लगाएंगे हाथों को, और हम लड्डू बांधना शुरू करते हैं। अपने हिसाब से आप बना सकते हैं, छोटे बड़े जैसे भी आपको पसंद हो। ये देखिए कितना सुंदर लड्डू बना है।
हाथ से बनाकर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, तो देखिए ये मेरे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। मैं इनको थोड़ा सजा देती हूँ। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक कीजिएगा, मैं बुरा नहीं मानूंगी। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।